हे फ्रेंड्स, कोरोना वायरस के कारण पूरी दुनिया की अगर हम लोग बात करते हैं तो दिसंबर 2019 से लेकर के अब तक 20 लाख लोग जो है इफेक्ट हो चुके हैं और करीबन 1.25 लाख लोग जो है अपनी जान जो है गंवा चुके हैं। और आपको जैसा कि पता है कि अब इंडिया के अंदर में भी धीरे धीरे अपना पैर पैसार रहा है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमारे देश के अंदर में करीबन अभी 12.5 हज़ार जो है पॉजिटिव केसेस आ चुके हैं, जिसके अंदर में 414 जो है डेथ पूरी कुल मिलाकर लगभग जो है हो चुकी है। हमारे देश में आप सभी को पता है जैसा कि 21 दिन का लॉकडाउन था, जो कि आपको 14 अप्रैल को खत्म होना था, लेकिन इसको एक्सटेंड कर दिया गया है और 3 मई तक जो है इसको बढ़ाकर कर दिया गया है, जो कि बहुत अच्छी और बहुत बड़ा फैसला हमारी गवर्नमेंट का है। और कि ग्लोबली लेवल पर जो इसका इलाज जो है खोजा जा रहा है और पूरे देश के अंदर में अपने मरीजों का जो है इलाज भी साथ ही साथ किया जा रहा है। इसमें सभी तरह के मेडिकल थेरेपी का यूज़ किया जा रहा है। और इसी बीच जो है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी कि ICMR ने केरल को प्लाज्मा थेरेपी के जरिए इलाज करने का परमिशन भी दे दिया। आपको मैंने करंट अफेयर्स के सेशन के अंदर में ये चीज़ बताई भी थी कि केरल के अंदर में कोरोना वायरस के प्लाज्मा थेरेपी के थ्रू जो है इलाज करने का परमिशन जो है किसने दे दिया है, तो ICMR ने दे दिया है। ठीक है, तो अब मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि प्लाज्मा थेरेपी क्या होता है और कैसे काम करता है, क्या ये जो भी कोरोना वायरस से ग्रसित है क्या उसको ये ठीक कर सकता है, ये सारे चीज़ों के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, वो भी पूरे डिटेल के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो इस वीडियो को जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, इस कारण होगा क्या उन्हें भी जो है इसके बारे में जानकारी मिलेगी। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले कि ये प्लाज्मा थेरेपी होता क्या है। उससे भी पहले मैं आपको ये बता दूँ कि इसका सबसे पहले जो यूज़ है कब किया गया, तो आपको पता होना चाहिए कि इसका जो यूज़ है दोस्तों, सबसे पहले आपको जैसा कि पता है कि प्रथम विश्व युद्ध जो है 2014 से लेकर 2018 तक चला था, और उस टाइम के बाद जो है 2018 में फैला था स्पेनिश फ्लू। कौन सा? तो स्पेनिश फ्लू। उस टाइम जो है इसका इस्तेमाल किया गया था। इसके बाद लगातार संक्रमित बीमारियों को दूर करने के लिए प्लाज्मा थेरेपी का यूज़ किया जाता है। अब मैं आपको ये समझाता हूँ कि प्लाज्मा थेरेपी होता क्या है। तो देखो, ध्यान दो, इस थेरेपी में जो व्यक्ति कोरोना वायरस को मात देने में कामयाब होता है, फिर से आपको मैं बता रहा हूँ, समझना ध्यान से, कि इस थेरेपी में जो व्यक्ति कोरोना वायरस को मात देने में कामयाब हो जाता है, उस व्यक्ति के रक्त को संक्रमित व्यक्ति में डालकर उसे ठीक किया जाता है। समझ में आया बात? बहुत आसान सा लैंग्वेज में कहा जा रहा है कि जो भी व्यक्ति जो है, मान लो कि कोई एक व्यक्ति है और एक दूसरा व्यक्ति है, अब मान लो कि ये पॉजिटिव केसेस वाला है, ठीक है, और ये भी पॉजिटिव केसेस वाला है, ठीक है, लेकिन इसमें क्या देखते हैं, ये ए है और ये बी है मान लो, तो ए क्या होता है कि ये रिकवर कर जाता है कोरोना वायरस से। तो होता क्या है कि अगर ये रिकवर कर जाता है तो इसके ब्लड को जो है इसके अंदर में डाला जाता है और इसके ब्लड जो है इसमें एक एंटीबॉडीज क्रिएट कर देती है, जिसके कारण क्या हो जाता है कि ये क्या कर लेता है, ये भी अपने जो कोरोना वायरस का जो सिम्टम्स है उसको दूर कर लेता है, कोरोना वायरस को हराते हुए ये भी जो है नेगेटिव हो जाता है। समझ में आया बात? और भी आगे डिटेल से समझाऊंगा मैं, टेंशन लेने की बात नहीं है। देखो, इस थेरेपी से 3 से 7 दिन के अंदर में जो मरीज है ठीक हो जाता है। समझ में आया? चलो अब मैं आपको और समझाता हूँ, अगर अच्छे से आपको समझ में नहीं आया तो आपको मैं अब ये समझाऊंगा कि ये कैसे काम करता है। ठीक है, चलो देखो, प्लाज्मा थेरेपी कैसे काम करता है इस चीज को समझने की कोशिश करना। जब कोई व्यक्ति इस वायरस को हराने में कामयाब हो जाता है या वह कोरोना वायरस संक्रमित होने के बाद स्वस्थ हो जाता है, जैसे कि कनिका कपूर के बारे में आपको पता होगा दोस्तों, बॉलीवुड सिंगर हैं और उन्होंने भी कोरोना वायरस को हरा दिया, क्योंकि वो भी एक टाइम जो है पॉजिटिव थी, कोरोना वायरस पॉजिटिव थी, लेकिन अब जो है वो नेगेटिव हो चुकी हैं। ठीक है, तो वो जो है एक तरह का एंटीबॉडीज बन गई हैं। क्या बन गई हैं? तो एंटीबॉडीज बन गई हैं। आपको यहाँ पर मैंने लिखा भी, वो क्या बन जाता है, एंटीबॉडीज बन जाता है और उसकी इम्यूनिटी शॉर्ट और लॉन्ग समय के लिए जो है मजबूत हो जाती है। इससे इम्यूनिटी सेल प्रोटीन निकलते हैं। इससे क्या होते हैं? इम्यूनिटी सेल प्रोटीन निकलते हैं जो प्लाज्मा में पाए जाते हैं और जो आवश्यकता होने पर रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। ठीक है, बात समझ में आ गया? जो भी इम्यूनिटी सेल्स होते हैं जिनके भी जो कि हरा देते हैं कोरोना वायरस को, तो उनके सेल्स के अंदर में प्रोटीन निकलता है और वो जो प्रोटीन होता है प्लाज्मा में पाया जाता है और उसमें होता क्या है कि वो क्या करता है कि रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। तो ये जो है कंसेप्ट को लिया गया है। अब देखो, अब मैं आपको बताता हूँ कि विशेषज्ञ यानी कि जो एक्सपर्ट्स है वो क्या कहते हैं। तो देखो, एक्सपर्ट्स का कहना है कि प्लाज्मा थेरेपी जो है, जिसे उन लोग कहते हैं एंटीबॉडीज थेरेपी भी कहते हैं, और से एक साथ कई मरीजों का इलाज किया जा सकता है। ऐसा माना जाता है कि इस थेरेपी से उन लोगों का तत्काल इलाज किया जाएगा जिन्हें सबसे अधिक खतरा है, जिन्हें सबसे अधिक खतरा होगी
उनको सबसे पहले जो है इसका इलाज, इससे जो है इलाज किया जाएगा। आई होप सो गाइज आपको क्लियर हो गया होगा प्लाज्मा थेरेपी क्या है, कैसे ये काम करता है और ये क्या होता है, इसको सबसे पहले जो है कब यूज किया गया था, ये सारी चीजों के बारे में। अगर आपको वीडियोस पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके इस वीडियो को जरूर लाइक और शेयर कीजिएगा, और क्योंकि ऐसे ही वीडियोस में आप लोग के लिए लाता रहूंगा तो आप हमारे चैनल पर जरूर बेल के आइकन को जरूर दबा लीजिएगा सब्सक्राइब करके, ताकि आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।